अगर आप लोगों को अभी तक पता नहीं है कि YouTube का जो 6 नया अपडेट निकल के आया है उसके बारे में, तो ये वाला वीडियो को पूरा देखना, हम बताएंगे हर एक अपडेट को डिटेल्स में। अगर आप लोग भी अपने मेल चेक करोगे तो शायद आप लोगों को मिल जाएगा जो 6 नया अपडेट है YouTube के बारे में वो, और अगर अभी तक नहीं आया तो आ जाएगा, कोई बात नहीं है। तो हम सीधा जीमेल खोल के हम चले जाते हैं वो वाला मेल पे यूट्यूब के, और आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि ये जो अपडेट निकल के आया है, ये वाला अपडेट अपना यूट्यूब चैनल का जो सिक्योरिटी है उसके लिए है। और एक बात इधर, आप लोग जो 6 अपडेट देख रहे हैं इनमें से 5 अपडेट हर एक यूट्यूबर के लिए है, पर जो आखिरी वाला अपडेट है वो सिर्फ जिसका चैनल मोनेटाइज है उसके लिए है। और इधर लास्ट में आप लोग एक ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योर योर अकाउंट, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, हम आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे A to Z। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इधर जो आप लोगों को पहला अपडेट मिल रहा है वो है कि सेफ ब्राउजिंग के लिए, मतलब इधर आप लोगों को सेटिंग में जाके, मतलब क्रोम ब्राउजर में जाके सेटिंग में आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए हम क्रोम में चले जाते हैं, और क्रोम में जाने के बाद ऊपर राइट साइड कॉर्नर पे आप लोगों को 3 डॉट मिलेगा, उसके बाद चले जाना है आप लोगों को सेटिंग्स, और सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को इधर मिल जाएगा प्राइवेसी वाला ऑप्शन। प्राइवेसी में जाने के बाद आप लोगों को ब्राउजिंग, सेफ ब्राउजिंग में चले जाना है, उसके बाद पहला वाला जो ऑप्शन है एनहेंस प्रोटेक्शन, इसे आप लोगों को ऑन रखना है बस। तो इसे ऑन रखने से क्या होगा, मान लीजिए अगर आप कोई थर्ड पार्टी लिंक या फिर कोई गलत लिंक में चले जाते हो तो आपके पास एक तुरंत अलर्ट आ जाएगा कि आपका जो ब्राउजिंग है वो सेफ नहीं है, तो आपको उसी टाइम में उधर से निकल जाना है। तो यही है उसका काम। उसके बाद सेकेंड अपडेट में बताया गया है कि अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो क्रोम ब्राउजर से, मतलब जो ऐप प्ले स्टोर में नहीं है वो ऐप आप क्या करते हो, क्रोम में जाके या फिर कहीं पे ब्राउजर पे जाके आप इंस्टॉल करते हो, और इंस्टॉल करने के बाद अपने फ़ोन से सारे के सारे परमिशन दे रखते हो, तो वही सब आपके मोबाइल के, मतलब अपने डिवाइस के लिए सेफ नहीं है। तो इन सारे ऐप को अपने मोबाइल से हटा दीजिए कि अपने यूट्यूब चैनल का जो सिक्योरिटी है वो थोड़ा सा हाई हो सके। अब चलते हैं तीसरे अपडेट में, और तीसरा अपडेट में बताया गया है कि आपका जो पासवर्ड है जीमेल का, उसका जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन में अपर लोअर केस लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, सिंबल भी होना चाहिए, सब कुछ का जो मिक्स है वो होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि अपना पासवर्ड मिक्स्ड होना चाहिए, और किसके साथ शेयर मत करना है ये वाला पासवर्ड। उसके बाद जो चौथा नंबर अपडेट है वो वाला अपडेट सबके लिए नहीं है, क्योंकि जो लोग यूट्यूब स्टूडियो का कॉन्टेंट मैनेजर यूज करते हैं उनके लिए है सिर्फ, अगर आप लोग यूज करते हैं तो इधर आप लोगों के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप में स्क्रीन शॉट दे दिया, तो आप लोग कर लीजिए। तो हम 5 नंबर अपडेट को थोड़ा बाद में बताएंगे क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो हम पहले 6 नंबर अपडेट के बारे में बता देते हैं कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, मतलब आपका चैनल मोनेटाइजिंग पार्टनर में पड़ता है, तो आपका जो एडसेंस हेल्प सेंटर आर्टिकल है उसमें जाके अपना सेटिंग कर लेना है बस। तो अब चलते हैं 5 नंबर सेटिंग की तरफ, और 5 नंबर सेटिंग में बताया गया है कि आपका जो 2-स्टेप वेरिफिकेशन है इसे रखना है ऑन। तो हम सीधा सिक्योर योर अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं, और उसके बाद आप लोग को दिखा देता है हर एक सेटिंग को। तो एक बात याद रखना, सिक्योर योर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद अगर आपने सेटिंग हर एक सेटिंग पे ग्रीन कलर की टिक मार्क देखते हो आप लोग, तो समझ जाना कि अपना अकाउंट टोटली सेव है। और आप लोग इधर देख सकते हैं कि मेरा हर एक सेटिंग पे टिक मार्क है, मतलब मेरा अकाउंट टोटली सेव है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा कि टिक मार्क नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना है, उसमें जाके सिंपल से वाला सेटिंग को ऑन कर देना है। इधर जो थर्ड पार्टी एक्सेस वाला सेटिंग है, तो इधर जाने के बाद अगर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि बहुत सारा ऐप इधर है जो आप लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो उन सारे ऐप को आप इधर से रिमूव कर सकते हैं। तो मेरा इधर व्हाट्सअप दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं, व्हाट्सअप में कोई दिक्कत नहीं है। और इधर ही आप लोगों को मिल जाएगा 2-स्टेप वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन, जिधर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है, मतलब आप लोग इधर से अपने मोबाइल नंबर नहीं डाल सकते। अगर आपने नहीं सीखा है कि कैसे आप 2-स्टेप वेरिफिकेशन में मोबाइल नंबर डालते हैं, तो मैंने वीडियो बनाया है, तो आप लोग देख लीजिए हमारे चैनल में जाके, बहुत इजी सिंपल सा प्रोसेस है। तो यही है यूट्यूब का बताया हुआ है 6 अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।